हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ मैं। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से मैं कुछ मैसेजेस पता करना चाहूँगी जो वो आपसे नहीं शेयर कर पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, पर वो बातें उनके दिल में और दिमाग में हैं। उन्हें एक कहना तो है आपसे, लेकिन वो नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से मैसेजेस हैं, बातें हैं जो वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट किसी कारण की वजह से वो नहीं कह पा रहे हैं? तो बेसिकली यहाँ पर जो भी बातें निकल कर आएगी वो उनके हायर सेल्फ से हमें पता चलेगी, क्योंकि उनकी सोल तो चाहती है कि वो बातें आप तक पहुँचे, लेकिन सर्कमस्टांसेस की वजह से वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। इट्स अ जनरल रीडिंग, इट मे रेजोनेट विद एवरी वन और मे नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। टाइमलेस रीडिंग भी है गाइस, तो कभी भी देख सकते हो अगर आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग और पता लगाते हैं कौन से मैसेजेस वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। सरेंडिपिटी। इस पर्सन को उम्मीद है कि आप दोनों का यूनियन हो सकता है, लेकिन इसने इस उम्मीद को ना सरेंडर किया हुआ है। इसका मतलब क्लियर है कि ये नसीब पर छोड़ के बैठे हुए हैं सब कुछ, कि नसीब में मिलना है, लिखा है तो हम मिलेंगे। और कहीं ना कहीं इसको बिलीव भी है कि आप दोनों मिलेंगे, लेकिन वो कुदरत के अकॉर्डिंग होगा, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होगा। मतलब एक तरीके से आपके साथ अटैचमेंट भी है, और एक तरफ से ये सोचते हैं कि कोई अटैचमेंट इनको रखनी भी नहीं है। ठीक है, ये खुद पजल है अपनी लाइफ में, क्योंकि इसको क्लैरिटी नहीं है, इसके सामने बहुत बड़ी चट्टान है। ये जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इसको आगे का रास्ता दिखाई देगा, कितनी खूबसूरती, रोशनी और अबंडेंस है इसके लिए आगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम है अभी इस पर्सन की अवेकनिंग होने में। ये चाहते हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हुआ था वो सॉल्व हो जाए। आपका प्यार इसको हील कर सकता है, इसको आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। पर ये वाली बातें ये आपसे बोलेंगे थोड़ी ना। मैनिफेस्टेशन। ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपना मैनिफेस्टेशन अच्छे से करें, क्योंकि जितना आप हील होंगे आप इसको गुड एनर्जी भेजोगे, और वो एनर्जी इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इसको अवेकन करने में। यानी कि एक तरीके से आपके कंधों पर डबल बोझ है। आपको अपनी भी लाइफ सेट करनी है, खुश रहना है, स्ट्रांग बनना है, और इस पर्सन को भी अच्छा फील कराना है एनर्जी के थ्रू। और ये शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है क्योंकि आप शायद कर सकते हैं, आपके पर्सन नहीं कर सकते, ये बात भी है यहाँ पर। यिंग एंड यांग। मैं बोलने ही वाली थी ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ये कनेक्शन आपका। ठीक है, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जब भी यहाँ हीलिंग की बात आ रही है, मैनिफेस्टेशन की बात आ रही है, द गार्डन। इस पर्सन को लगता है कि आप जो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं वो बहुत स्पेशल है, और ये नहीं कर सकते वो चीज़। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप इजीली कर सकते हो, और इसको सच में आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक देख रहे हैं किस तरीके से आपसे एनर्जी पहुंच रही है इस पर्सन तक। तो जो एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो वो ये नहीं कर सकते। तभी तो यहाँ पर ये देखो ना, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। लाइक जो चीज़ें इस पर्सन में मिसिंग है वो आप में है, और जो आप में मिसिंग है वो इस पर्सन में है। जब आप दोनों एक होगे तो आप कंप्लीट फील करोगे। इसीलिए मैनिफेस्टेशन करते रहो। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप मैनिफेस्टेशन करें, गुड एनर्जी क्रिएट करें, और इस कनेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस, ये बातें इस पर्सन के दिमाग में हैं, दिल में भी हैं, पर ये आपसे कह नहीं पाते। द गार्डनर। ये मेहनत तो कर रहे हैं, पर हो सकता है कि कहीं चीज़ों पर ये स्टक हो जाते हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी है, अट्रैक्शन है, पैशनेट हैं आपके लिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये पर्सन, बट स्टिल इसको आपकी ज़रूरत है, आपकी प्रार्थना की, आपके लव की। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और देख लेते हैं और क्या आता है।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द फूल, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टावर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स. ठीक है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है वॉट ऑन द डेक से, और यहां से भी पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है. नो डाउट कि ये पर्सन अपने वर्क एरिया में बिजी है राइट नाउ. हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली इन इन वर्क एरिया, एंड एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ. लेकिन पता है, इस न्यू बिगनिंग के बीच में ये टावर आया हुआ है. कुछ ऐसा है गाइस जो आप दोनों को हील करने की ज़रूरत है, कुछ अचीव करने की ज़रूरत है, तभी ये न्यू बिगनिंग आप दोनों की लाइफ में आ सकती है. एक प्रॉपर बैलेंस चाहिए आपकी लाइफ को. आपको टेंशन फ्री पहले होना पड़ेगा. आप ये सोचिए कि अभी आपके दिमाग में कितनी सारी टेंशन्स है ना, तो हो सकता है ये जो टावर है ना, ये वो टेंशन्स ही है. अगर आपने वो टेंशन्स ख़त्म कर दी तो हो सकता है कि आपकी न्यू बिगनिंग हो जाए इस पर्सन के साथ. ठीक है, आपका रिकंसिलिएशन हो जाए और इस कनेक्शन को एक विक्ट्री मिल जाए. ठीक है, इसके चांसेस हैं. यहाँ पर रिकंसिलिएशन का भी कार्ड है. ठीक है, एक्शन का भी कार्ड है, टू टाइम्स है इवन. बट कुछ ब्लॉकेजेस हैं. हो सकता है कि वो ब्लॉकेजेस आपकी टेंशन्स हैं. ठीक है, जितना ज़्यादा आप उन पर काम करेंगे तो हो सकता है कि आप अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ें. अपनी खुशियाँ पाने की कोशिश कीजिए. जहाँ आपने एक के बाद एक अपनी खुशियाँ हासिल कर ली, तो आपके लिए आपकी जर्नी थोड़ी सी ईजी और हो जाएगी. ठीक है, इसलिए जितना हो सके अपने वर्क पर फोकस कीजिए. तो गाइज, इसीलिए जितना हो सके टेंशन फ्री होने की कोशिश कीजिए आप. और ये टेंशन फ्री कैसे होगे, जो भी कंसर्न है उसे ख़त्म करते जाओ वन बाय वन, तो आपको इजी रहेगा. ठीक है, और देख लेते हैं आपके लिए आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है. ये खुद अपने काम में बिजी हैं इस टाइम. उलझे हुआ है ये पर्सन, जो भी है, लड़का है लड़की है, प्रॉब्लम्स हैं इनके पास. एंड आर्कएंजल यूरियल का सपोर्ट तो है, बट स्टिल इसको आपके प्यार की, अफेक्शन की ज़रूरत है. हैप्पी फैमिली, फोर ऑफ वॉन्ड्स. क्योंकि इससे ना आपको, मतलब आपको जब भी ये पर्सन याद करते हैं, इसको एक फैमिली वाइब्स, एक बहुत ही सिक्योर वाइब्स आती है, इसलिए आप पे ट्रस्ट करते हैं. और ये कह भी रहे हैं अपने पेंटिकल्स पर फोकस करो, आप भी अपनी जर्नी पर फोकस करो, सब कुछ पॉसिबल है. नंबर 44, फोर नंबर सबसे ज़्यादा है. देखो, फोर 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 एंड फोर फोर, टू टाइम्स है यहाँ पर. फोर नंबर बहुत दिख रहा है, इसका मतलब एंजल्स क्लोज हैं आप दोनों के, इसका मीनिंग यही है. एंड थिंकिंग मैन, ये पर्सन बहुत सोचते हैं, आपको याद करते हैं. ठीक है, हर दिन इसको याद आती है आपकी, भूले नहीं हैं आपको. ठीक है, लेकिन सब कुछ ना इसने नसीब पर भी छोड़ दिया है. और कहीं ना कहीं आपका प्यार बहुत हेल्पफुल हो सकता है इस पर्सन के लिए, आपकी प्रार्थनाएं. ठीक है, मैनिफेस्ट कीजिए गाइज आप लोग. अब मैसेज देखते हैं यहाँ से क्या कहेंगे आपको. यू मेक मी कम्प्लीट. आप कम्प्लीट करते हो इस पर्सन को. यू आर वेरी फॉरगिविंग. आप बहुत फॉरगिविंग हैं. एंड यू होल्ड मी टाइट एंड यू लुक डीप इनटू माय आईज. You do silly things for me. You make me feel secure. You never let me feel lonely. You love me the way nobody else does. And here, you are very cute and adorable, and you can read my mind. ये कुछ मैसेजेस दिए. और मैसेजेस पता करते हैं, यहाँ से पता कर लेते हैं.
ओके, काफ़ी सारे मैसेजेस दिए हैं अभी तो। ओके, इनको देख लेते हैं। आई हैव सो मच रिग्रेट, काफ़ी रिग्रेट है इस पर्सन को। इवन थो वी आर नॉट टुगेदर, आई कांट जस्ट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। इवन आप दोनों देखो पास नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको दूर, अगर आप दूर जाते हैं तो ये घबराते हैं और ये आपको जाने भी नहीं देंगे दूर। कुछ ना कुछ हिंट, मैसेज टाइम टाइम पर आप तक भेजेंगे ताकि आपका भी इस कनेक्शन पे से विश्वास ना उठे। आई लाइक टू पीप योर सोशल मीडिया जस्ट टू सी योर फेस। वाओ, आपका सोशल मीडिया चेक करते हैं आपका चेहरा देखने के लिए। माई फेवरेट प्लेस इज़ इनसाइड योर हग, ब्यूटिफुल। एंड आई एम नॉट हाइडिंग द कनेक्शन फॉर द रॉन्ग रीज़न। तो ये किसी गलत रीज़न की वजह से इस कनेक्शन को हाइड नहीं कर रहे। लास्ट नाइट आई थॉट अबाउट यू बिफोर फेल स्लीप। आई हैव एन ऑफर फॉर यू। ओके, एंड इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। डिवाइन टाइमिंग इज़ वर्किंग फॉर अस। यस, डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है। आई डोंट वॉन्ट टू बी विद एनी वन एल्स। आई लव यू मोर एंड मोर एवरी डे। यू आर माई वन एंड ओनली। आई एम ऑलवेज रिमाइंडेड ऑफ यू। आई वॉन्ट टू डेडिकेट अ सॉन्ग टू यू। I know that you are the one I want to spend my whole life. I found my soulmate, I found my one true love, I found my one and only forever and always. I found that in you. तो ये सब कुछ आप ही में देखते हैं, अपना soulmate, अपना true love, अपना one and only। ये आपसे प्यार करते हैं और आपके ही साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोचते हैं, आपसे प्यार करते हैं। तो बिलीव कीजिए इस कनेक्शन पर, अपने पर्सन पर। इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम और स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना है गाइज़। बाय, टेक केयर।